हेलो फ्रेंड, नमस्ते। ए टेन सीरीज में आपका स्वागत है। ए टेन सीरीज में एपिसोड 3 में हम देखेंगे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, यानी कि हमारी सेकंड फॉर्म्स, और एक कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस और दूसरा काल, वो डीप में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये डीप में टेंस सीखने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पहले हमारा जो अगला वीडियो है, लास्ट वीडियो हमने अपडेट किया था, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो वो लिंक के जरिए पहले आप प्रेजेंट टेंस डीप में पढ़ ले, सीख ले और प्रैक्टिस कर ले, तब जाके वीडियो आप देखे तो आपको एक कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप इंग्लिश के महारथी हो जाएंगे। हमारा एम यही है कि आप इस फ्री टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में आप इंग्लिश का महारथी हो। जब भी आपको टाइम मिले, जरूरी नहीं है लॉकडाउन ही हो, पर जब भी आपको टाइम मिले तब आप ये वीडियो रिपीट करके, रट के, आप पढ़ के अच्छी तरह से फ्लुएंसी इंग्लिश बोल सकते हैं, और ऐसी कोशिश हम और हमारी टीम कर रही है। फ्रेंड्स, तो टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा काल और तीसरा एपिसोड, यानी कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? फर्स्ट ऑफ, वी हैव टू लर्न अबाउट दिस टेंस डेफिनेशन। व्हाट्स द डेफिनेशन? फ्रेंड्स, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल हमारी वर्तमान की कंटिन्यूस स्थिति दर्शाती है। वर्तमान में जो हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सुन के फिर से हंस रहे हैं, कृपया हंसिए मत, देखिए, समझिए, ठीक है? फ्रेंड्स, तो जब हम ये एक्शन करते हैं तो हमारी ये एक्शन आपको थोड़ी स्माइल देती हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि किसी को स्माइल देना भी बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि हंसते हंसते हम कैसे सीखे और कैसे पढ़े। फ्रेंड्स, तो हम जब ये अभी एक्शन कर रहे हैं तो कोई वीडियो देख देख के खा रहा होता है, कोई क्या भी एक्शन कर रहा होता है, जो भी क्रिया एक्शन हमारी कंटिन्यूस होती है, शुरू होती है, ठीक है? तो शुरू एक्शन हमारी होती है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। तो इसका 3 फॉर्म होता है, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, एक है एसर्टिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, एसर्टिव विधान वाक्य, उसमें क्या फॉर्मेशन होता है? तो कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी एक्शन के पीछे लगता है, यानी कि प्ले है तो प्लेइंग, बराबर प्ले है तो प्ले का प्लेइंग, ईट है तो ईट का ईटिंग, गो है तो गो का गोइंग, ठीक है? इस तरह से हमारी सभी एक्शन आईएनजी फॉर्म में होती है, और जब भी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के बाजू में रखना होता है, लिखना है, तब हमें ये फॉर्म में हमेशा आगे टू बी मुकना है, टू बी हमें लिखना है, टू बी यानी कि एम इज आर, वो तीनों कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम देखेंगे डीप में अभी, ठीक है? पहले हम एसर्टिव का फॉर्मेशन देख लेते हैं। एसर्टिव फॉर्मेशन, सब्जेक्ट एम इज आर, वी आई एन जी वर्ब आई एन जी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ओके फ्रेंड्स? तो ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस हुआ। तो ए एसर्टिव सेंटेंस में से नेगेटिव जब बनाना है, फॉर्मेशन नेगेटिव में करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स ओनली हम इसमें टू बी के साइड, टू बी के बाजू में हम मात्र और मात्र नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दोहरा लेते हैं, सब्जेक्ट एम इज आर, नॉट वर्ब आई एन जी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ नेगेटिव यानी कि नकार फॉर्मेशन, और लास्ट फॉर्मेशन हमारा है इंट्रो, यानी कि एम इज आर कैपिटल और डब्ल्यू एच भी ले सकते हैं, ठीक है? एम इज आर कैपिटल और डब्ल्यू एच, कोई भी दोनों में से, उसके बाजू में सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी
ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हुआ प्रश्नार्थ यानी कि इंट्रोगेटिव। तो एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थ्री फॉर्मेशन हमने पढ़े हैं। तो वो थ्री फॉर्मेशन हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं, पर इसके पहले हम नॉट देखते हैं। ठीक है, क्या है तो नॉट यानी कि कोई भी एक्शन के पीछे हमें जब आईएनजी ऐड करना होता है तब हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल, हम स्विम, एस डब्ल्यू आई एम, ओके ये स्पेलिंग है, पर स्विम के पीछे से देखें तो एम और आई एक लास्ट दो वर्ड हमारा स्वर और व्यंजन। ठीक है, लास्ट दो वर्ड हमारा स्वर और व्यंजन होना चाहिए, तब हमें लास्ट वर्ड दोबारा रिपीट करना है और दोबारा दोहराना है, फिर हमें आईएनजी लिखना है। ठीक है, तो स्विम का स्पेलिंग कैसे बनता है, स्विम एस डब्ल्यू आई एम, आई एम और फिर एम यानी कि डबल एम आईएनजी, तो स्विम का स्विमिंग होता है तो वो डबल एम फॉर्मेशन होता है। तो ये एक नियम का हम याद रखेंगे नोट्स में, आईएनजी का ये फॉर्म हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्म हम याद रखें और इस फॉर्म के जरिए और हेल्प्स के जरिए हमें कई सारे एग्जाम्पल बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल आई वाला हमें आगे भी देखा है और हम अभी वी वाला देखते हैं। वी आर ईटिंग मैंगो, वी आर ईटिंग मैंगो। ठीक है, ये प्रेजेंट हुआ और सॉरी ये हमारा फर्स्ट यानी कि एसर्टिव सेंटेंस हुआ, और नेगेटिव में हम फॉर्म करते हैं तब हमें क्या करना है, तो हम मैंगो खा नहीं रहे हैं तो नेगेटिव करना है, तो वी आर नॉट ईटिंग मैंगो, वी आर नॉट ईटिंग मैंगो। ठीक है, और तीसरी हमारी एक्शन होती है, वाक्य रचना हमारी होती है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ। तो इंट्रोगेटिव में वी आर नॉट ईटिंग मैंगो ये नेगेटिव हुई थी, तो उसका जो आर है वो कैपिटल के जरिए आगे लेते हैं। आर वी ईटिंग मैंगो, आर वी ईटिंग मैंगो, ये हमारी हुई इंट्रोगेटिव, बराबर है। ठीक है, प्रश्नार्थ वाक्य रचना होती है। तो ये हमारा प्लुरल्स हुआ यानी कि आर इस्तेमाल हमने किया, आई के साथ हम एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम एम इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट के साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक उदाहरण और दोहरा लेते हैं, शी यानी कि शी इज ईटिंग मैंगो, शी इज नॉट ईटिंग मैंगो, इज शी ईटिंग मैंगो, प्रश्नार्थ वाक्य, प्रश्नात्मक। तो कुल मिला के हमें वो जो तीनों वाक्य रचना है, वो तीनों वाक्य रचना में हमें आईएनजी का इस्तेमाल करना है, और आईएनजी के साथ हमें टू बी के जरिए एम इज आर वो तीनों का इस्तेमाल करना है, और एम इज आर के साथ साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कि आई के साथ हमें एम, आई के साथ ओनली एम का इस्तेमाल करना है, एम और कहीं भी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे फ्रेंड्स, और इज ही शी इट और तीनों के साथ हमें इज का इस्तेमाल करना है, और वी और धेय के साथ हमें आर का इस्तेमाल करना है, प्लूरल्स में आर, सिंगुलर में इज, आई के साथ एम। ऐसा हम छोटा छोटा भी याद रखेंगे ने तब भी हमें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो दो एग्जाम्पल हमने खाने का दिया है, ऐसे ही कई एग्जाम्पल, मैं ये खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, तो एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रो होता है, इस तरह से कहीं मैं पी रहा हूँ
और कहीं में जा रहा हूं, घूम रहा हूं, खेल रहा हूं, ऐसी एक्शन हकार नकार और प्रश्नार्थ यानी कि एसर्टिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें प्रैक्टिस करनी है और नॉट के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो वो आप सब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। जब भी आपको समझना आए तो कमेंट में आप लिखिए और मुझे कहिए, पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय। रखता हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गुड बाय, जय हिंद।